विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाने के बाद जीत दर्ज करने वाले जनप्रतिनिधियों द्वारा अब अपनी जीत को लेकर खुशी का इजहार किया जा रहा है और जनता का आभार भी व्यक्त किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद की कांट विधानसभा से जीत दर्ज करने वाले समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार कमाल अख्तर द्वारा पागबड़ा पहुंचकर खुशी का इजहार किया गया और क्षेत्र की जनता का भी आभार व्यक्त किया गया। शुक्रवार को पागबड़ा पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांट विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक कमाल अख्तर ने जामा मस्जिद में नमाज को अदा किया और उसके बाद अपने समर्थकों से भी उन्होंने मुलाकात की। कमाल अख्तर ने कहा कि जिस अंदाज में क्षेत्र की जनता ने उनको वोट किया है वह काबिले तारीफ है। पागबड़ा के जनता के एहसान को वे हमेशा याद रखेंगे। पागबड़ा में विकास करने का काम किया जाएगा। कमाल अख्तर सबसे पहले पागबड़ा की जनता से रूबरू हुए और उन्होंने सभी का आभार व्यक्त किया। सिटी चैनल से बात करते हुए नवनिर्वाचित विधायक कमाल अख्तर द्वारा कहा गया, सबसे पहले तो कांट विधानसभा क्षेत्र के सभी मेरे बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माँ बहनों का, सबका बेपनाह मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया और इतनी बड़ी तादाद में मुझे चुनाव जिताया। मैं पूरी जिंदगी भी उनकी खिदमत करूँ तो इस एहसान को नहीं उतार सकूंगा और मैं उन्हें ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं कोशिश करूंगा कि इस क्षेत्र का विकास कर उनके अच्छे बुरे वक्त में उनके साथ रहकर उनका हौसला बढ़ाकर उनके इस एहसान का बदला चुका सकूं। मैं एक बार फिर अपने सभी कांट के बुजुर्गों का, मतदाताओं का, भाई बहनों का बेपनाह शुक्रगुजार हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझकर मुझे इस क्षेत्र से विधायक चुनने का काम किया। आज पागबड़ा पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है पागबड़ा? नहीं, मैं पागबड़ा इसलिए पहुंचा कि पागबड़ा के लोगों ने जो मोहब्बत, प्यार, खुलूस मेरे साथ दिखाया और जिस तरह से एक तरफा 95% वोट मेरे पक्ष में दिया, तो मैंने आज शुक्रिया अदा करने की शुरुआत पागबड़ा से की और मैं पूरे पागबड़ा के अपने भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो मेरी हौसला अफजाई की है, मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार हूँ। पागबड़ा के युवा समाज सेवी सुहेल अहमद द्वारा बताया गया कि आज उनके यहाँ पर कांच के नवनिर्वाचित विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर पहुंचे हैं और पागबड़ा की जनता की ओर से उनका खैर मकदम किया गया है। कमाल अख्तर जी आए थे, जैसे वो लोगों में घूमे हैं, किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है? रेस्पॉन्स तो बहुत अच्छा मिल रहा है। लोगों को जो है ऐसा नेता मिला जो जीतने के बाद में उनके बीच आया, ऐसा कभी इससे पहले हुआ नहीं यहाँ पर। आपने पागबड़ा के अच्छे नागरिक के होने के नाते उनके साथ साना बसाना आप लगातार लगे रहे हैं और आज जीतने के बाद वो यहाँ पे आए हैं, तो अपने पागबड़ा की जनता से आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे नेता जो जीतने के बाद जनता को याद रखे, ऐसे बहुत कम नेता होते हैं और हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमको ऐसा नेता मिला कि जीतने के बाद में भी उनको जनता याद है कि भाई जिन लोगों ने मुझको वोट दिया है मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करके रहूं। आने वाले दिनों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा पागबड़े में? पागबड़े में उम्मीद है हमको कि यहाँ पर अब तक कोई तरक्की नहीं हुई थी, यहाँ सड़कें टूटी पड़ी थी, नालों का पानी का निकास नहीं था, तो हमें उम्मीद है कि अब उन सब चीजों का काम होगा। पागबड़ा की जनता को उनके आने पर क्या किस तरह से धन्यवाद देना चाहेंगे आप?